रामदेव जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारत विकास परिषद बाड़मेर द्वारा पौधरोपण का आयोजन किया गया। परिषद के पदाधिकारियों ने विवेकानंद सर्किल राय कॉलोनी रोड पर सघन पौधरोपण किया। परिषद द्वारा पर्यावरण और भारतीय संस्कृति के त्योहारों के उपलक्ष्य पर हर बार विभिन्न प्रजाति के पौधों का रोपण किया जाता है। इस दौरान परिषद के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता बाबा रामदेव के जन्मोत्सव को लेकर भारत विकास परिषद बाड़मेर द्वारा शुक्रवार को पौधरोपण का कार्यक्रम आयोजित कर स्वच्छ वातावरण का संदेश दिया गया। भारत विकास परिषद बाड़मेर के संयुक्त तत्वाधान में शहर के राय कॉलोनी रोड एवं विवेकानंद सर्कल पर एयू बैंक के मैनेजर मयंक सिंघल, भारत विकास परिषद के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश मेहता, उपाध्यक्ष धनराज व्यास, किशोर शर्मा, पुरुषोत्तम खत्री, अशोक गीगल द्वारा पौधरोपण किया गया। कार्यक्रम के दौरान भारत विकास परिषद के सचिव ओम जोशी ने बताया कि वृक्ष धरती का श्रृंगार है और पौधरोपण करके ही वातावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है, साथ ही स्वच्छ रखा जा सकता है। शहर को हरा भरा करने के उद्देश्य से आज बाबा रामदेव जयंती के उपलक्ष्य में बाड़मेर में लगभग 30 पौधे लगाए गए हैं और इससे पूर्व भारत विकास परिषद द्वारा लगभग 450 पौधों का रोपण किया जा चुका है इसी सीजन में, और हमारा उद्देश्य है कि आने वाले समय तक लगभग 1000 पौधे हम पूरे शहर में लगाएंगे। और बाड़मेर शहर में जो आज धूप, तेज गर्मी ये सब हम सहन कर रहे हैं, इसके निराकरण के लिए परिषद ने ये निर्णय लिया कि पूरे शहर को हरा भरा किया जाए। इसी उद्देश्य को लेकर भारत विकास परिषद द्वारा जुलाई से शुरू किए गए पौधरोपण कार्यक्रम में अब तक 450 से अधिक विभिन्न प्रजाति के पौधे अलग अलग स्थानों पर रोपित किए गए हैं। सचिव के अनुसार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नीमड़ी गौशाला एवं विद्यालय में 75 पौधों का रोपण किया गया था। इसी तरह स्वच्छ पर्यावरण का संदेश आगे भी पौधरोपण कर दिया जाएगा।